हेलो स्टूडेंट्स, तो ये मेरी इंग्लिश स्पोकन की 12th वीडियो है। इससे पहले मैं 11 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इस क्लास में मैं हाउ लॉन्ग इज इट सिंस से सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये सिखाऊंगी। ये काफ़ी बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं, कैसे बोलते हैं ये सिखाऊंगी। कितना टाइम हो गया इसका मतलब होता है, जैसे कि हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, यहां तक इसका मतलब होता है कि कितना टाइम हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि कितना टाइम हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक ये डब्ल्यू को बनाता है, केवल डब्ल्यू है। अब आप बोलेंगे मैम इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी है तो है, इतना मिलके ही ये डब्ल्यू बनाता है, आपको जानना ही नहीं है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों है। ये डब्ल्यू है, मतलब डब्ल्यू है, और ये डब्ल्यू आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको दो एक बार, मतलब दो चार बार बोलोगे हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए ये जैसे कि डब्ल्यू एच वाई, डब्ल्यू एच एट वॉट, ये जो डब्ल्यू है यहाँ पर दो डब्ल्यू है, ये एक डब्ल्यू ये है और दूसरा डब्ल्यू ये है। और यहाँ इसको देखिए जरा, इतना बड़ा अकेला डब्ल्यू है, तो क्या कर सकते हैं आप, है तो है, बनाना तो पड़ेगा सेंटेंस। तो यहां पर देखो इसका मतलब होता है क्यों और इसका मतलब होता है क्या, क्या होते हैं इनके मतलब होते हैं ऐसे ऐसे, और इसका मतलब होता है कितना टाइम हो गया। तो अगर ये सेंटेंस बोले आपको कितना टाइम हो गया मंदिर गए हुए, तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा देखिए कितना टाइम हो गया आपको, तो हम क्या बोलते हैं हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, इसको देखो डब्ल्यू है तो पहले लिखना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे इज इट, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस। अब देखिए How long is it since you went to temple? ऐसे बनेगा you to कितना टाइम हो गया आपको मंदिर गए हुए। अब आप बोलोगे नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं समझाती हूं। How long is it since, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब यहां से जो बना, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि यहां पर एच क्यों नहीं लगा, क्योंकि डब्ल्यू के बाद में तो क्या लगता है, एच लगता है, बिल्कुल लगता है। देखो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ पास्ट, पास्ट में ही बनता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट में बनेगा। दूसरा इसका आपको थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा कि जैसे कि ये अगर मान के चलो W नहीं लगा, W नहीं लगा तो यहां सेकेंड फॉर्म आएगी, सॉरी मैं W बोल रही हूं, H यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी तो यहां सेकेंड फॉर्म आएगी। तो ये सेंटेंस ऐसे ही बनाए जाएंगे, W तो है बट यहां पर H ना लगते हुए सेकेंड फॉर्म आएगी, मतलब आएगी। तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, अब देखो आपको मंदिर गए हुए, यही तो बचा आपको, बचा मंदिर गए हुए। अब ये बचा ना जो बिल्कुल कैसा बचा, सिंपल सेकंड फॉर्म आ जाए, ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट टू टेम्पल, ये बना। इनके आंसर कैसे बनते हैं, मुझे 2 दिन हो गए मंदिर गए हुए, मंदिर गए हुए, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, अब देखो ये आंसर डब्ल्यू से बनेगा, इज इट की जगह पे क्या हो जाएगा, इट इज, देखिए जरा इट इज 2 days सिंस, 2 दिन हो गए, यहां ध्यान देना पड़ेगा। ये सेंटेंस थोड़ा अलग तरीके से बनता है, और कुछ जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उसको थोड़ा सा उनके रूल्स को पूरा
पूरा फॉलो नहीं करता, थोड़ा सा एक्सेप्शन देता है। देखिए ये कैसे बना, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस का बहुत बड़ा फंडा था इसमें। देखो हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम हो गया उसके लिए, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस पहले लिख लिया, जो बचा उसको सेकंड फॉर्म से लिख दिया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा था। ऐसे ही बनेगा आपका जो क्वेश्चन है पूछना, जब आप पूछोगे इस तरीके से तो बिल्कुल सही पूछ रहे हो। अब देखो मुझे दो दिन हो गए, फंडा यहीं पर है, लोचे भी इधर ही है, देखिए दो दिन हो गए, कोई पहले हो जाएगा ठीक है। इट इज टू डेज सिंस, डेज इट इज टू डेज सिंस मुझे मंदिर गए हुए, ये तो बचा सेकंड फॉर्म से, जिस तरीके से ये बना ऐसे ही सेकंड फॉर्म से ये बन जाएगा, आई वेंट टू टेंपल। इसमें कोई प्रॉब्लम ठीक है। इसका नेगेटिव आंसर कैसे बनेगा, मुझे दो दिन नहीं हुए हैं मंदिर गए हुए। देखिए ये भी आप उस जो पूछ रहे हैं बस उसी पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे दो दिन नहीं हुए हैं इसी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो मुझे को तो छोड़ ही दो, मतलब दो दिन नहीं हुए यहां तक आ जाएगा, जिस तरीके से ऊपर चल रहा था बिल्कुल वैसे ही, दो दिन नहीं हुए हैं तो कैसे होगा, जब इज इट का यहां पर इज इट दिख रहा है आपको तो इट इज कहां पर हो गया, आंसर में, यहां पर इट इज नॉट हो जाएगा बस। तो कैसे बनेगा, इट इज नॉट टू डेज सिंस, बस मुझे मंदिर गए हुए सेकंड फॉर्म से बनेगा, आई वेंट टू टेम्पल। ओके स्टूडेंट्स देखिए आप पूरा देख लीजिए एक बार, इसमें कोई खास बात नहीं है कि मतलब आप वैसे ही परेशान हो जाओगे, भाई पता नहीं क्या है इतना बड़ा डब्ल्यू शुरुआत में डरा दिया, क्या डरने वाले, डब्ल्यू को तो याद ही कर लो, रट मारो इसको ठीक है। कितना टाइम हो गया मंदिर गए हुए, कितना टाइम हो गया आपको, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस बोलते हैं, पास्ट में बोला जाए तो यही चेंजेस आते हैं, यही पास्ट में बोला जाए तो मतलब पास्ट की बात बोली जाए तो कितना टाइम हो गया था तब आपको खाना खाए हुए, मतलब कभी पास्ट की बात कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया था खाना खाए हुए, इसकी जगह पे वाज आ जाएगा और क्या होगा, हाउ लॉन्ग वाज इट सिंस ये हो जाएगा, हाउ लॉन्ग वाज इट सिंस यू टुक फूड, फिर भी सेकंड फॉर्म से ही बनेगा, फिर भी सेकंड फॉर्म से ही बनेगा, ये क्लियर है। देखो ऐसा करते हैं हम वाज वाले बाद में बता देते, दूसरे वीडियो में बता देते, इसमें यही बता देते हैं, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस का मतलब होता है कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया वो हम लोग आगे ले लेते हैं। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली सेंटेंस को बनाते हैं सेकंड फॉर्म से, हो गया आंसर्स को ऐसे देंगे, मुझे दो दिन हो गए तो ये टाइम का फंडा है इसमें सबसे बड़ा, तो मुझे दो दिन हो गए, इट इज टू डेज सिंस आई वेंट टू टेम्पल, इट इज नॉट टू डेज सिंस आई वेंट टू टेम्पल, ऐसे नहीं है आई डिड नॉट गो टू टेम्पल लग जाए, नो ये सही नहीं होगा, ये सही है टोटली ओके। चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपनी कॉपी में लिख लो, फिर दो से तीन बार इनको, दो से चार बार पांच बार बोलोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं इसको मिटा के दूसरा सेंटेंस, देखो कितना टाइम हो गया तुम्हें नई मूवी नहीं देखी हुई, ये ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे सेंटेंसेस भी बन जाते हैं ठीक है। कितना टाइम हो गया तुम्हें घर नहीं गए हुए, है ना, कितना टाइम हो गया तुम्हें पॉकेट मनी नहीं ले दिए हुए, कि कितना टाइम हो गया तुम्हारे पापा ने तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दी, है ना, तो फिर इस तरीके की कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। यहां तो कितना टाइम हो गया के लिए हाउ लॉन्ग इज इट सिंस ही आएगा, तो इज इट हाउ लॉन्ग इज इट सिंस ठीक है,
हो गया, तो मैं नई मूवी नहीं देखे हुए। तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू डिड नॉट वॉच न्यू मूवी? मुझे 2 दिन हो गए नई मूवी नहीं देखे हुए, 1 महीना हो गया, कुछ भी लगा दो, मुझे 2 दिन हो गए नई मूवी नहीं देखे हुए। तो इसको कैसे बनाएंगे? 2 दिन हो गए, बस यही तो ध्यान देना है। इट इज days since I did not watch new movie, ठीक है, I did not watch new movie। और अगर यहां ऐसा बोलना है कि नहीं मुझे 2 दिन नहीं हुए, नई मूवी नहीं देखे हुए, तो यहीं पर लग जाएगा। देखो मुझे 2 दिन नहीं हुए नई मूवी देखे हुए, तो कैसे बनेगा? इट इज नॉट 2 डेज सिंस, I did not watch new movie। सही है, दोनों ही जगह आएगा। It is not 2 days। देखो यहां देखो, मुझे 2 दिन नहीं हुए नई मूवी नहीं देखे हुए, या हिंदी में थोड़ा सा है, मैं हिंदी से कर देती हूँ, नई मूवी नहीं देखे हुए। ओके स्टूडेंट्स, देखो कितना टाइम हो गया तुम्हें नई मूवी नहीं देखे हुए। दूसरी तरीके से पूछ रहा है, पहले वाले कुछ अलग थे, आप उस हिंदी को अपने तरीके से समझो। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू डिड नॉट वॉच न्यू मूवी? ठीक है, तो मुझे 2 दिन हो गए मूवी नहीं देखे हुए, ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। इट इज 2 डेज सिंस आई डिड नॉट वॉच न्यू मूवी, 2 दिन हो गए नई मूवी नहीं देखी मैंने, ठीक है, और मुझे 2 दिन नहीं हुए नई मूवी नहीं देखे हुए, मुझे 2 दिन नहीं हुए नई मूवी नहीं देखे हुए, मतलब वो सिचुएशन क्या होगी वो आपकी माइंड में अगर आ रही है ये कब बोला जाएगा, तो बिल्कुल सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस को बोले जाते हैं। तो इट इज नॉट 2 डेज सिंस आई डिड नॉट वॉच न्यू मूवी, ऐसे बनेंगी ये सेंटेंसेस। तो इसके लिए जो प्रैक्टिस शीट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर देखें वहां से, और फिर ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल हम इसके आगे के सेंटेंस करवाएंगे। थैंक यू सो मच।